हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों मैं बताऊँ, आज मैं आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा, जैसे कि आजकल की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में हम अपने चूजों का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, उन्हें जो है गर्मियों से कैसे बचा सकते हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी रिलीफ मिले। इस वीडियो में मैं जो है वो तमाम जानकारी दूंगा। आप अपनी मुर्गियों को जो है, जो हमारे चूजे या मुर्गे कबूतर जो खाना छोड़ रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, वो क्या तरीका है, क्या रीज़न है इस, ताकि उनके जो है वो कमजोरी ना हो और जो है उनके मिनरल विटामिन जो है वो सब पूरे होते रहे और वो कमज़ोर ना हो, इस वीडियो में वो जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जो आपने शौक पाल रखे हैं, कबूतर हैं चाहे मुर्गी मुर्गा हैं, उन्हें जो है गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके, तो वो क्या तरीका है मैं बता दूं मेरे भाई। जैसे कि आजकल के, पहले तो हम जो है सुबह और शाम जो अपने खाना पानी दे देते हैं अपने मुर्गियों को मुर्गाओं को, अब जो है भाई उन्हें जो है पानी, हो सकता है आपके पास समय ना हो तो भैया जी आप उनके जो है पानी का एक व्यवस्था बना कर रखें, मिट्टी का बर्तन ले आएँ जिसमें पानी थोड़ा ठंडा रहेगा, डोंगा या कुंडा बोलते हैं जिसे, मिट्टी का बर्तन ले आए। यार शौक में कोई ज़्यादा खर्चा पानी नहीं आता, इनकी सेवा ही करनी है, मन से सेवा करें, अच्छा खाने को दें उन्हें ताकि वो आपसे एक इंसानियत का तालमेल बना रहे। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो कुछ जो है हमारे बर्ड जो है ना, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो है खाना पीना जो है छोड़ रहे हैं, जैसे कि कम खाए हैं ना ही वो मक्का खा रहे हैं गर्मियों में और ना ही वो गेहूँ उठा रहे हैं। तो ऐसे मौसम में ना आप उन्हें भिगो के दे दें, 12-24 घंटे उन्हें भिगो दे गेहूँ को और फिर डाल दे, वो आसानी से खा लेंगे, ऐसा करने से खा लेते हैं। यदि आपके बट जो है मक्का नहीं खा रहे हैं तो भाई मक्का को जो है ना 12-24 घंटे जो है ना भिगो दें और फिर उसके घेरें, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो वो खाना पीना कम खा रहे हैं और पानी पे ज़्यादा गौर दे रहे हैं, तो पानी में जो है, जैसे कि मैंने आज जो है गर्मी से आया था मैं ड्यूटी से, तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे तुरंत जो है मेरा ध्यान जो है मुर्गियों की तरफ गया, तो मैंने अपनी मुर्गियों को जो है, मैं उसकी जो वीडियो नहीं बना सका, मैं आपको बताता, मैंने अपनी मुर्गियों को दिया था वो ग्लूकोन डी दिया था, वो ऑरेंज फ्लेवर में, तो प्यास तो थी और तो थोड़ा सा टेस्टी भी होता है, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने उन्हें अपनी मुर्गियों को भी घोलना अच्छा समझा। ठीक है, तो आप जो है ग्लूकोन डी का घोल जो है अपने चूजों को या मुर्गी मुर्गाओं को कबूतरों को जरूर दें, ताकि उनकी जो है थोड़ी सी एक जो है एक एनर्जी रिकवरी हो जाए। ये तो हो गया दोपहर का काम, दोपहर में 1 बजे या 2 बजे जरूर अपने मुर्गों को पानी दें खोल के, एक बार वो घूमेंगे फिरेंगे, चाहे आपको फिर दोबारा बाढ़ देना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गर्मी में राहत मिलेगी। और फिर दोबारा जो है आपको शाम के समय में एक खीरा ले आएँ, खीरे के बारीक बारीक चौक कर लें, उसकी जो खीरे को बारीक बारीक जो काट लें, चौक कर लें और अपने मुर्गियों को खिलाएं। वो जो है अगर फीड छोड़ रहे हैं तो खीरा गिरेंगे तो वो जरूर खा लेंगे, खीरे ज़्यादा महंगे नहीं हैं हमारे इस समय में, आज का रेट बता रहा हूँ मैं, 10 रुपये किलो भी हैं, 20 रुपये किलो भी हैं। ठीक है, खीरे बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा महंगे नहीं है भाई, एक तो आपका फीड कॉस्ट भी बच जाएगा और मुर्गे जो है गर्मियों से बच जाएंगे, भूखे भी नहीं होने के, कमजोरी नहीं पकड़ने के। ठीक है, उनके मिनरल भी पूरे होंगे और पानी की पूर्ति पूरी होएगी। ठीक है, विटामिन पूरे होंगे उनके, ये हो गया। और तरबूज ला सकते हैं, खरबूजा ला सकते हैं जो मौसम के अनुसार है, ये इनसे मुर्गियाँ जो दाना पानी छोड़ रहे हैं गर्मी की वजह से, तो इनसे मुर्गे ना वो चाह का खाएंगे, राजयोग का खाएंगे, रज के खाएंगे। ठीक है, ये तरीका था। और मैं बता दूं, यदि आपके पास में खुला स्पेस थोड़ा सा हो, जैसे कि मेरे पास है, मैं मुर्गियों को छोड़ता हूँ खुली रेंज एरिया में, तो उन्हें थोड़ा सा पानी भर दें किसी खड्डे वड्डे में, बता रहा हूँ मैं आपके लिए, खड्डे में थोड़ा सा पानी भर दें, ताकि वो ना वो पंजे में, वो जहाँ पर मिट्टी गीली होएगी या पानी भर रखा है आपने, वहाँ पर जो ना वो बढ़ेंगी, उनके पंजों के जो पंजे में वो खड़े होएंगे गारा में जाकर, तो उनके वो थोड़ा सा उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी, उनके पंजे ना ठंडे पड़ जाएंगे, तो वो पानी पियेंगे ठंडा और ठंडे उनके पंजे हो जाएंगे, तो उन्हें गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। ठीक है, ये कुछ तरीका था। और यदि आपने डायरेक्ट अपने छतों के ऊपर दड़वे बना रखे हैं, केज हैं, मिट्टी के दड़वे हैं ईंटों के, तो भाई उनके जो है गर्मी से बचाने के लिए मैं एक बता रहा हूँ आपको तरकीब। जैसे कि मान लो आपने आपके छत के ऊपर जो है वो केज बना हुआ है, केज बना हुआ छत के ऊपर, तो आप जो है ना उसके एक मिट उसका तरपाल या फिर जैसे कि बोरी का, कट्टे का, बोरे का, कुछ ऐसा एक तिरपाल टाइप का उसके ऊपर टांग दें,
उसके ऊपर टांग देना है आपको, ताकि उसकी जो है ना डायरेक्ट छाह जो है वो तरपाल पाएगी, और तरपाल की डायरेक्ट धूप जो है हमारे मुर्गियों तक नहीं पहुँचने की, तरपाल पाएगी और तरपाल की छाह जो उदड़वे पाएगी, तो इससे थोड़ी सी हमारी मुर्गियों को राहत मिलेगी। तो छतों के ऊपर या घर के आंगन में हमने अपनी मुर्गी मुर्गा पाल रखे हैं, ठीक है। ये कुछ जो है अपनी मुर्गी को बचाने का तरीका था, और ना मैं आपको कुछ बताया, गुलकुंडी दे सकते हैं और मौसम के अनुसार खीरा खीरा खरबूजा तरबूज दे सकते हैं और ये गुलकुंडी दे सकते हैं, ठीक है। और अपनी मुर्गियों को जो है भले ही पानी खाना कम खाएंगी कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन जो है उन्हें पानी की पूर्ति करते रहे, उनसे उनके मिलनरी पूरे होते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी मेरे भाई ने जो मुझे एक मैसेज भी करा था कि कुछ गर्मी का इलाज बताएं, तो ये कुछ तरीका था मेरे पास। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा। दोस्तों बाकी आप खुद समझदार हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।